कि एक दुकानदार जो है दो वस्तुओं को 800 रुपये प्रति की दर से खरीदा, एक वस्तु को 25% लाभ एवं दूसरे पर 25% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? या अगर जो है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है समान हो तथा एक पर एक वस्तु के बेचने पर एक्स प्रतिशत का लाभ हो और दूसरे पर एक्स प्रतिशत की हानि हो, तो पूरे सौदे में है ना तो लाभ होगा और ना ही जो है हानि होगा। और क्यों नहीं होगा इसको हम पुट करके अभी बता देते हैं आपको। मान लें कि दो वस्तुओं को जो है 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद रहा है, तो क्रयमूल टोटल क्रयमूल कितना हो जाएगा? टोटल सीपी हो जाएगा 8 8 दोनों वस्तुओं के लिए कितना हो जाएगा? 1600। मान लीजिए कि पहले वस्तु को जो है कितना पे 25% लाभ पे बेच रहा है, यानी पहला एसपी कितनी हो जाएगी? पहली वस्तु का एसपी यानी 800 और का कितना 125%, 125% कितना? 125 बटा 100 लिखेंगे तो डायरेक्टली हम इसको 5/4 लिख देते हैं भिन्न में 125/100 को, और ये कट जाएगा 2 चौका 80, यानी ये कितना हो गया? 1000। तो 1000 हो गया ये पहले वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस। अब दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो दूसरा वस्तु भी कितना 800 रुपये में बेच, 800 रुपया जो है क्रयमूल है और इसी पे जो है कितना 25% की हानि हो, यानी 75/100 हो जाएगा, और 75/100 को हम डायरेक्टली 3/4 लिखेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन आपको मालूम होगा। अब इसको जो है कट जाएगा 200 और ये कट गया कितना हो गया? 600। यानी दोनों का दोनों जो है विक्रयमूल कितना हो गया? टोटल एसपी जो है सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1600, 1000 पहले के लिए और दूसरे के लिए 600, यानी 1600। तो विक्रयमूल भी 1600 आ गया और हमारा क्रयमूल भी पहले 1600 था, तो ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि तारनी दो घोड़े प्रत्येक को जो है 500 रुपये में बेचता है, एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? यानी जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को जो है समान मूल्य पर बेचता है और उसमें एक को एक्स प्रतिशत की हानि तथा दूसरे पर एक्स प्रतिशत का लाभ पर बेचता है, तो हमेशा जो है क्या होता है? हानि होता है, और यह हानि जो है एक्स का एक्स प्रतिशत होना है होता है, यानी 10 का 10%, ये 10 हो गया और 10 का 10% बट्टा में 100, और ये हमेशा क्या होता है? हानि होता है। तो हानि कितना हो जाएगा? 1% जो है हमारा हानि हो जाएगा।